जिला राष्ट्रीय जनता दल मुंगेर द्वारा शहीद स्मारक मुंगेर के नजदीक एक दिवसीय धरना। लाल रंजन की रिपोर्ट। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के अनेक ठिकानों पर सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी के विरोध में जिला राष्ट्रीय जनता दल मुंगेर द्वारा शहीद स्मारक मुंगेर के नजदीक एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना की अध्यक्षता राजद के जिला अध्यक्ष देवकीनंदन सिंह एवं संचालन जिला उपाध्यक्ष संजय पासवान ने किया। धरना पर मुख्य अतिथि के मुंगेर के पूर्व सांसद विजय कुमार विजय ने कहा कि सीबीआई अब स्वतंत्र इकाई के रूप में काम नहीं करती, बल्कि यह केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर रह गई है। यह केंद्र सरकार के इशारे पर विरोधियों को झूठे मुकदमे में फंसाने का कार्य करती है। आज पूरे भारत वर्ष में एकमात्र लालू प्रसाद यादव ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों का जोरदार विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती, साथ ही देश में नित्य दिन पेट्रोल डीजल रसोई गैस सहित सभी पदार्थों के बढ़ते दाम पर से ध्यान हटाने के लिए सीबीआई को एक हथगंडा के रूप में केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है। पर लालू यादव टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते। नरेंद्र मोदी को देश में बढ़ती महंगाई बढ़ते बेरोजगारों से कोई लेना देना नहीं है। वह अडानी अंबानी सहित मुट्ठी भर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए देश की करोड़ों जनता को भूखे मरने के लिए मजबूर कर रही है। सीबीआई द्वारा लालू प्रसाद के ठिकानों पर की गई छापेमारी के विरोध में पूरे देश में राजद के साथी धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध जता रहे हैं। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हसीबुर रहमान एवं राज्य परिषद सदस्य नरेश सिंह यादव ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से यह आह्वान किया कि वे अन्याय के विरुद्ध बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें। लालू प्रसाद को प्रताड़ित किया जा सकता है, लालू प्रसाद के विचारधारा से जो करोड़ों लोग असहमत हैं उसे दबाया नहीं जा सकता। राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सह जिला राजद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार सुमन एवं जिला युवा राजद मुंगेर के अध्यक्ष आसिफ वसीम ने कहा कि बिहार में हजारों करोड़ों का सृजन घोटाला सहित दो दर्जन घोटाला हुआ, पर उसका सीबीआई जांच इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि उसमें सत्ता पक्ष के लोग आरोपित होते। नेताओं ने कहा कि धन कुबेरों के बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार की हर प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक किया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दिखावे के लिए छोटी मछली को पकड़ा जाता है और बड़ी मछली आजाद घूमती है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो या सृजन घोटाला, बिहार की जनता जानती है इस कांड में सत्ता पक्ष के बड़े नेता फंस रहे थे, अतः इस कांड की लीपापोती किया जा रहा है। भ्रष्टाचारी मंत्री एवं भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों को बचाने के लिए सचिवालय में आग लगाकर संबंधित सचिका को जलाकर सबूत मिटाया जा रहा है, पर इसकी कोई सीबीआई जांच नहीं होती। धरना को जिला राजद के महासचिव रंजीत गुप्ता, महानगर युवा राजद के अध्यक्ष आदर्श कुमार राजा, राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजेश रमन उर्फ राजू यादव, एससी एसटी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अशोक रजक, महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बबीता भारती, पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष निरंजन यादव, विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सरोज कुमार सिंह, वरिष्ठ राजद नेता अशरफी यादव, दीपक कुमार सिन्हा, नागेश्वर यादव, विजय कुमार गुप्ता, शकील अहमद, विजय यादव, कौसर फैयाज, राजेश नंद क्लियर, युवा राजद के बम बम यादव, संजय कुमार संजू, पटेल कुमार शर्मा, नवल यादव, विक्की कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर कल की गई यह विशुद्ध रूप से बदले की भावना से की। कहा जा रहा है सीबीआई ही कह रही है कि ये 2004 से 9 तक का मामला है, आज 22 है, अभी तक सीबीआई सोई हुई थी क्या? इसके पीछे एकमात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वह जानती है कि आज देश में एकमात्र नेता माननीय लालू प्रसाद यादव ही है जो अगर फ्री होंगे, जनता के बीच घूमेंगे, तो उनको जनता सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। इसलिए इनको जानबूझकर परेशान करने के लिए जब सभी मामले में इनका जमानत हो गया, ये जेल से बाहर हो गए, इनको फिर से जेल भेजने की तैयारी में एक नया एफआईआर दाखिल किया गया। उसी के तहत पूरे परिवार के लोगों को अभियुक्त बनाया गया और सभी जगह छापेमारी की गई। इसके पीछे राजनीतिक विद्वेष छोड़कर और कोई कारण नहीं है। सरकार में आप देख रहे हैं, इस सरकार को और तो कुछ करना नहीं, देश रोज बिक रहा है, महंगाई चरम पर है, गरीब को गरीब मध्यम वर्गीय लोग भी महंगाई से परेशान हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति देख ही रहे हैं कि कानून व्यवस्था का क्या स्थिति है,
दिन प्रतिदिन बर्बाद होते जा रहा है, रोज खून दूसरे के घर पर कब्जा यही होते जा रहा है। इसलिए सुर्खी लालू प्रसाद यादव के रहने से जनता में एक विद्रोह की आग जलेगी। जिस तरह 74 में पूरे देश में लोकनायक के नेतृत्व में विरोध की आंधी उठी थी, उसी तरह भारत केंद्र के सरकार के खिलाफ में विद्रोह की एक आंधी उठेगी। इसीलिए इस आंधी को रोकने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को तंग और परेशान करने के मकसद से ये छापेमारी की गई है। इसी के खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल का बिहार ही नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ भी राष्ट्रीय जनता दल की इकाई है, विरोध पर स्वरूप प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। यहाँ भी कल साथियों ने प्रदर्शन भी किया और उसी उद्देश्य से आज यहाँ धरना दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार दमनकारी नीतियों से बाज है।